में आप सबका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ जनपद पंचायत के तहत आने वाली ग्राम पंचायत काकरवाल की ग्राम होशियार खेड़ी गांव में स्थित प्राचीन श्री राड़ी वाले हनुमान मंदिर परिसर में मध्य प्रदेश शासन द्वारा मंदिर पुंज योजना के तहत पौधारोपण किया गया। आपको बता दें कि इस पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम हनुमान मंदिर परिसर में पूजा अर्चना कर किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में 250 पौधे लगाए गए। वहीं मौजूद अतिथियों द्वारा ग्रामीण लोगों को हरियाली को बचाने हेतु अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर पंडित वीरेंद्र नागर, जिला पंचायत सभापति गोविंद सिंह गुर्जर, नरसिंहगढ़ जनपद पंचायत उपाध्यक्ष देवी सिंह गुर्जर, सब इंजीनियर संजीव वर्मा, सरपंच कालूराम शाक्यवार, सचिव लक्ष्मीचंद सेन, रामचरण बिलाला, जसवंत सिंह गुर्जर, लाखन सिंह गुर्जर, भारत सिंह गुर्जर, बलराम सिंह गुर्जर, चंदर सिंह गुर्जर, शिव शंकर भगत जी, हरिनारायण कारपेंटर, हेमराज गुर्जर, हनुमत सिंह गुर्जर, रामचंद्र देवड़ा, सुरेश चौधरी, हरि सिंह बना, बद्रीलाल नेताजी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग मौजूद थे। आज दिनांक को राड़ी वाले हनुमान मंदिर होशियार खेड़ी में मंदिर कुंज योजना के तहत जो है ना वृक्षारोपण किया गया, जिसमें 250 पौधे लगाए गए हैं इस मंदिर के पूरे प्रांगण में। कैमरा इधर चलिए। पूरे प्रांगण में 250 पौधे लगाए गए हैं, जिसमें हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य माननीय गोविंद सिंह जी भी हैं और इनके करकमलों के द्वारा यहाँ पे मंदिर कुंज योजना का शुभारंभ किया गया है, जो मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। आज काकरवाल पंचायत के ग्राम होशियार खेड़ी में यहाँ के सरपंच साहब, मंत्री जी और गांव के सभी प्रबुद्ध जनों द्वारा मंदिर कुंज योजना के अंतर्गत इस गांव को लिए गए हैं, तो हनुमान मंदिर पर सब लोगों ने इकट्ठे होकर के वो वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा। उसमें माननीय इंजीनियर साहब संजीव वर्मा जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने वृक्षारोपण किया और ये हनुमान मंदिर बहुत पुराने समय से प्रचलित भगवान का मंदिर है। यहाँ सब क्षेत्र की, पूरे क्षेत्र की आस्था है। मैंने भी मेरी जिला पंचायत निधि से यहाँ भंडार गृह के लिए 1,00,000 रुपये स्वीकृत किए हैं। जैसे ही मीटिंग होगी मैं 1,00,000 रुपये भिजवा दूँगा और यहाँ अच्छा ग्राउंड बने, अच्छा गार्डन बने और यहाँ के गांव वालों का पूर्ण सहयोग है, वो भी उगई करके यहाँ मंदिर में स्वच्छता और सीसी खरंजा वगैरह इन्होंने करवाया। गांव के लोगों का पूर्ण सहयोग है। आशा करते हैं यहाँ शासकीय तौर पर भी अच्छा काम हो और यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिले। जय श्री राम।